बच्चों वाले सवाल हैं या आ सकते हैं, जैसे ए बराबर ये दिया है, कुछ भी वैल्यू दिए, बी बराबर दिए और कहा कि एस सी एफ निकालो। जब भी एस सी एफ फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एस सी एफ निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो एस सी एफ मतलब इन दोनों को एक साथ उतारेंगे और देखेंगे क्या कॉमन है, बस वही लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म सवाल। देखो ऐसे क्या करेंगे हमने भाई, ए की वैल्यू पकड़ो, ए की वैल्यू भाई दी ऐसे दी हुई क्वेश्चन में, 2 की पावर 2, 3 का क्यूब और 5 का 4, 5 की पावर 4, b = 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 5 × 5 है ना, खाली 5 दिया भाई। एफ सी एफ ऑफ ए बी हमने निकालने के लिए, तो पहले जो ए की वैल्यू है उसको खोल के लिख लिया, 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2, 3 की पावर 3 का मतलब 3 × 3 × 3, 5 × 4 मतलब 4 × 5, ठीक है। इसी तरह बी का हमने यहाँ पे लिखा, और बी का 2 का क्यूब मतलब 3 × 2, 3 का स्क्वायर मतलब 2 × स्क्वायर, ठीक है। ठीक, ऐसा लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कॉमन क्या क्या दिख रहा है भाई, याला 2 दोनों में है, याला 2 दोनों में है, ठीक। तो इस 2 का एक बार लिख लिया, 2 दो में है उसको एक बार लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे बीच मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है, 2 का एक बार लिखेंगे। उसके बाद देखो याला 3 दोनों में है, ठीक, इस 3 का एक बार 3 हमने लिख लिया, याला 3 दोनों में है, इस 3 का एक बार लिख लिया, ठीक, और याला 5 दोनों में है, इस 5 का एक बार लिख लिया, ठीक। बस जो कॉमन है, बस हमने जो दोनों में कॉमन था वही लिखा, जो जैसे 3 बच गया, ये 3 और 5 बच गया, इनको छोड़ दो, इनसे कोई मतलब नहीं। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, एलसीएम निकालना होता तो अगर यहाँ पे एचसीएफ की जगह एलसीएम लिखा होता तो यही सब करते, लेकिन जो बच जाता है, जो चीज़ें बच जाती उनको भी लिख लेते और मल्टीप्लाई कर लेते टोटल में, लेकिन एचसीएफ निकालना है तो खाली कॉमन कॉमन निकालेंगे जो दोनों में है, बस वही लिखेंगे, वही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, 3 × 3 = 9 और बचा 5, और आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, 4 × 9 = 36 × 5, ठीक, 36 × 5 आया, और 36 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 16, 17, 18, 180, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 180। आप समझ में आ गई बात, आप मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हैं, 2 × 4 = 12, 3 × 36, 36 × 5 = 180, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में 180 है, ठीक है, तो आप ये टिक लगा देंगे, ठीक है, क्लियर होगी सवाल। जब ये सवाल आएगा तो आप ऐसे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, थैंक यू।